नमस्कार, मैं सोनिया आपके अपने चैनल खाना दिल से में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आलू का पराठा तो सभी का फेवरेट होता है। आलू के पराठे को हम दही के साथ, बटर के साथ और चटनी के साथ खाते हैं। आज हम आलू का पराठा टमाटर की चटनी के साथ बनाएंगे। आलू के पराठे का टेस्ट टमाटर की चटनी के साथ डबल हो जाता है। तो चलिए बनाते हैं आलू के पराठे को टमाटर की चटनी के साथ दिल से। आलू के पराठे और टमाटर की चटनी बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिए हैं बॉयल्ड आलू, 5 टमाटर जिसको बारीक बारीक काट लिया है, 1 कप चीनी, थोड़ा सा हरा धनिया, 5-6 मिर्चें जिसको हमने बारीक बारीक चॉप कर ली हैं, 1 चम्मच भुना जीरा, आधा चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच लाल मिर्च, थोड़ा सा जीरा। सबसे पहले हम गैस ऑन करेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा जीरा डालेंगे। जीरा ब्राउन हो गया है, अब हम इसके अंदर डालेंगे टमाटर। अब हम इसे 2-3 मिनट तक ऐसे ही भूनेंगे और तेज गैस कर देंगे। नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च, दो तीन मिनट हो गए हैं, अब हम इसके अंदर चीनी डालेंगे। अब हम इसे 5 मिनट के लिए ढक देंगे। जब तक हमारी टमाटर की चटनी तैयार होगी, हम यहाँ पे आलू के पराठे की स्टफिंग तैयार करते हैं। यहाँ पे हमने बॉयल्ड आलू लिए हैं, उसके अंदर हम हरी मिर्च, हरा धनिया खूब सारा डालेंगे। पराठे में बहुत मज़ा आता है हरा धनिया डाल के। गरम मसाला, लाल मिर्च हम थोड़ी डालेंगे क्योंकि हमने हरी मिर्च काफ़ी सारी डाली है इसमें। नमक, हम डालेंगे भुना जीरा। भुना जीरा डालने से आलू के पराठे में बहुत सौंधापन आता है और बहुत टेस्टी लगते हैं। हम इसको अच्छे से मैश कर लेते हैं। यहाँ पे हमने स्टफिंग तैयार कर ली है। आपको स्टफिंग तैयार करते समय एक बात ध्यान में रखनी है कि हम जब स्टफिंग बनाएंगे आलू की, हम इसे बहुत अच्छे से मैश नहीं करेंगे, हम इसमें थोड़ा सा मोटा मोटा करेंगे, जिससे पराठे का टेस्ट और अच्छा आएगा। 5 मिनट हो गए हैं, हम टमाटर की चटनी को चेक करते हैं। देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है चटनी में, कितनी लजीज लग रही है। अभी हम इसे 5 मिनट के लिए और थोड़ा सा पकाएंगे, फिर ये चटनी बनकर तैयार हो जाएगी। 5 मिनट हो गए हैं, देखिए कितनी लजीज चटनी बनकर तैयार हो गई है। टमाटर भी अच्छे से मेल्ट हो गए हैं और कितना अच्छा कलर आ गया है। आलू के पराठे के संग खाएंगे तो मजा ही आ जाएगा। हम आलू का पराठा तैयार करते हैं। आलू के पराठे के लिए हम छोटी सी लोई लेंगे, इसे गोल करके हम उसमें थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे। फ्रेंड्स, आलू का पराठा बनाना बहुत आसान है, मगर उसके अंदर स्टफिंग अच्छी ना हो तो आलू का पराठा में मज़ा ही नहीं आता। तो हमें आलू के पराठा बनाने के लिए हमें क्या करना है, और स्टफिंग भी अच्छी हो और हमारा पराठा भी अच्छा लगे, तो हमें क्या करना है, हमने एक लोई ली थी, हमने उसको इस तरीके से बेल लिया है। अब हम इसके अंदर आलू की जो स्टफिंग है, हम उसके अंदर ऐसे रखेंगे। अब हम इसको अंगूठे से ऐसे थोड़ा सा दबाएंगे और इस तरह घुमाते रहेंगे। इससे आलू हमारा पूरे पराठे में अच्छे से रहेगा और बनके बहुत टेस्टी लगेगा। हमने इसको इस तरह से दबा दिया है और इस तरह से बन गया है। अब हम इसको चारों तरफ से ऐसे घुमाएंगे और हम इसको ऐसे थोड़ा सा प्रेस कर देंगे। ऐसे करा हमने, अभी हमारी एक लोई बनके तैयार हो गई है। अब हम इसको गोल गोल ऐसे घुमाएंगे। ऐसे करने से आपका पराठा बहुत टेस्टी बनेगा और चारों तरफ आलू और बहुत क्रिस्पी बनेगा पराठा। देखिए ऐसा हो गया। अब हम इस लोई को सूखे आटे में ऐसे करेंगे
और फिर हल्का सा इसको दबा के अपने अंगूठों से और उंगलियों से इसके किनारे किनारे से हम इसको ऐसे दबाएंगे। इससे आटा पूरी तरीके से पराठे में चारों तरफ हो जाएगा और स्टफिंग बहुत अच्छी लगेगी पराठे में। हल्के हाथ से ऐसे घुमाएंगे और अपनी आपके जो पराठे की स्टफिंग पराठे की लोई है वो अपने आप ही घूमती जाएगी। देखिए कितने अच्छे तरीके से। देखिए हमारा पराठा कितने अच्छे से हो गया है यार। अब हमने गैस ऑन कर दिया था पहले ही, अब हम पराठे को तवे पे डालेंगे। हम थोड़ा सा इसको हल्का हल्का सा घुमाएंगे। और हम पराठे को कभी भी तेज़ गैस पे नहीं बनाएंगे। तेज़ गैस पे अगर हम पराठा बनाएंगे तो हमारा पराठा ओवर फ्राई हो जाएगा, उससे पराठे का टेस्ट ही नहीं आएगा। अब हम इसको पलटेंगे और हम इसमें रिफाइंड ऑयल लगाएंगे। हम इसे चम्मच से भी नहीं दबाएंगे, बस हल्का सा तेल डालकर हम इसको हल्का सा फैलाएंगे और अब हम पलटेंगे। अगर हम पराठे को दबा देंगे तो हमारा पराठा अकड़ जाता है और अकड़ने से पराठे का टेस्ट जो उसमें क्रिस्पन आता वो भी नहीं आता। इसलिए हम इसे हल्के गैस पे ऐसे धीरे धीरे बनाएंगे तो हमारा पराठा बहुत ही क्रिस्पी बनके तैयार होगा। देखिए कितना क्रिस्पी और कितना लजीज पराठा बनकर तैयार हुआ है। अब हम इसे सर्व करेंगे। सर्व करेंगे टमाटर की चटनी के संग और इसका टेस्ट बन जाएगा। कितनी आसानी से आलू का पराठा और टमाटर की चटनी बनकर तैयार हो जाती है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें और अपने अनुभव मुझसे शेयर करें। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया ट्राई करते हुए।